जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जाप जिला मधुबनी इकाई द्वारा एक दिवसीय सामूहिक उपवास रोड मार्च निकालकर किया गया विरोध प्रदर्शन, जिसकी अगुवाई जाप जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव ने किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। जी हां, खबरें विस्तार से। पिछले महीने हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जाप कार्यकर्ता लगातार सिस्टम की कमियों को उजागर करने एवं अपने नेता की रिहाई को लेकर विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन कर आवाज़ उठाते रहे हैं। इसी क्रम में आज पूरे प्रदेश सहित मधुबनी में मधुबनी के जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सामूहिक एक दिवसीय उपवास रखे एवं पार्टी कार्यालय से मधुबनी समाहरणालय तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किए। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर यादव सहित अन्य लोगों ने किस प्रकार से जोरदार हमला करते हुए पप्पू यादव की रिहाई की बात रखे हैं। पप्पू यादव को रिहाई नहीं किया जाएगा, हम लोग अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। यह आंदोलन का हमारा एक कड़ी था, इसीलिए खासकर हम मीडिया के साथियों से हम कहना चाहते हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या यह सत्य हुआ है जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 32 साल पुराने केस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करके उनके जान के साथ खेला जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश है। मैं फिर मांग करता हूँ कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब का वह मौत नहीं हुआ था, वह हत्या हुआ था, उसी प्रकार से बिहार के गरीबों के मसीहा, दलितों की आवाज और नौजवानों के जुबान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार करके डीएमसीएच में हत्या करने की साजिश चल रही है। लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी ताकत और प्रदर्शन के माध्यम से हम इस सरकार को अलख जगाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी, आज जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति दिवस है, आज के भी दिन आपको याद करना चाहिए। आप कहते हैं हम जन नायक कर्पूरी ठाकुर के शिष्य है, आप कहते हैं हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी है, आपको शर्म से मर जाना चाहिए। आपको सत्ता में रहने का एक भी पल अधिकार नहीं है। जो राजीव प्रताप रूढ़ी सैकड़ों एम्बुलेंस को अपने उस कोठे के खजाने में बंद करके रखा था, सिर्फ पप्पू यादव उस खजाने को हटाने का काम किया था जिससे आम आवाम को वह एम्बुलेंस मिल सके। नीतीश कुमार जी, आपको सोचना चाहिए, पप्पू यादव की नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए, राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आपके कुछ लुच्चे और लफंगे पप्पू यादव को चुनौती देता है। मिथिलांचल के इस भूमि से हम आपके लुच्चे और लफंगे को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। जिस तरह कोई माइक का लाल धरती को आसमान में नहीं मिला सकता, उसी तरह पप्पू यादव से कोई टकरा नहीं सकता। इसीलिए अपनी विचार को रखते हुए हम इस डपोर संखी सरकार के लिए यह अल्टीमेटम देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, अभी भी आपको संभलने का मौका है, संभालिए, नहीं तो देश और दुनिया आज जो आप पर थूकता है। आपने देखने का काम किया जब पप्पू यादव के लिए रिलीज ऑफ बिहार, रिलीज पप्पू यादव कहा गया तो पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा ट्वीट हुआ था 4 घंटा के अंदर। यह पप्पू यादव का नहीं, यह आम आवाम का आवाज था, गरीबों के मसीहा का आवाज था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।